मैं नेबलर्स ज्वाइन करने से पहले जो है वो एक रेस्टोरेंट रन कर रहा था। अगस्त के अंदर मैंने कोर्स में एनरोल किया। उससे पहले मैंने EVS की एक्सेस ली और वीडियोस वगैरह देखी, सब कुछ नॉलेज नो ली। अगर आप ये देखें एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मैं MPhil HR। मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है दिसंबर से, ठीक है। मेरा कोर्स एंड हुआ अराउंड सितंबर के एंड में। मेरी मंथली एवरेज अर्निंग जो है $3,000 प्लस है। आप काम करके तो बाद में उसको दिखाएंगे ना, पहले आपको उसको नॉलेज का अपने डिलीवर करना आना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप टीम में काम करते हो तो आपकी ग्रोथ जो होती है वो आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते। स्काई इज द लिमिट वाला सीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कराची से आए हैं, मसरूर अली साहब। ये प्राइवेट लेबल की भी सर्विसेज देते हैं और होलसेल बिज़नेस की भी। प्राइवेट लेबल के बारे में आप जानते हैं कि वो अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, और होलसेल बिज़नेस में आप मीटू करते हैं किसी ब्रांड के साथ। हम इनसे जानेंगे कि ये दोनों की सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, इन्होंने एनेबलर्स को कब ज्वाइन किया, और इनकी सक्सेस स्टोरी बनने तक का जो सफ़र है सारा, वो सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम मसरूर अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ज्वाइन किया एनेबलर्स को और ई कॉमर्स में आने का सोचा, तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्या विजन था, और कब ख्याल आया कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना चाहिए, और फिर एनेबलर्स जैसे प्लेटफॉर्म को ही क्यों चुना आपने? अच्छा देखें, मैं एनेबलर्स ज्वाइन करने से पहले जो है वो एक रेस्टोरेंट रन कर रहा था। अराउंड 2015 से मैं रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। लाइक हमने 3 फ्रेंचाइजीज अपनी मतलब ऑन करी थी, सब कुछ सही था। लेकिन आपको पता है कि फिर उसके बाद कोरोना जो है वो हिट हुआ, पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, और ख़ास तौर पर फूड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुआ है। तो उसके बाद मतलब आप समझें कि 4 से 6 महीने तो कम्प्लीटली लॉकडाउन चला हमारा। उस दौरान बहुत ज़्यादा हमें हैवी लॉसेज हुए। तो उस दौरान ये हुआ कि फिर साकिब बदर साहब की जो है एक वीडियो आई, जिसमें मैंने देखा कि पाकिस्तान में के अंदर जो है अमेज़ॉन अलाउ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर मैंने इसके सर्चिंग शुरू करी। मेरे जो साले हैं उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा बताया, मतलब फैमिली मेम्बर्स से मुझे आइडिया हुआ। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने डिग इन करना शुरू किया। तो अराउंड अप्रैल लास्ट ईयर से जो है मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करी। फिर करते करते अगस्त के अंदर मैंने कोर्स में एनरोल किया। उससे पहले मैंने EVS की एक्सेस ली और वीडियोस वगैरह देखी, सब कुछ नॉलेज नो ली। मुझे ये हो गया कि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप ये देखें एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मैं MPhil HR हूँ। अच्छा, तो बैकग्राउंड से भी मेरी एजुकेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा मेरा नॉलेज वाइज अच्छा था इसके अंदर। तो फिर ये हुआ, और HR में मेरी थीसिस भी बेसिकली ई कॉमर्स के ऊपर ही थी। अच्छा। तो ये एक एडिड एडवांटेज था। तो जब मैं इस तरफ आया, फिर मैंने एनेबलर्स को एक्सप्लोर किया। तो फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी नहीं, लॉसेस बेयर करे हुए थे, तो उस वक्त मुझे ये डिसाइड हुआ कि यार सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ पहले आना चाहिए। तो इस वक्त मैंने फिर MBA मास्टरी का कोर्स ज्वाइन किया, मतलब मैंने एनरोल हुआ, उन्होंने उनसे टीचिंग करी। अब जब हमारा कोर्स एंड होने लगा तो फेसबुक के ऊपर जो है एक इंटर्नशिप ऑफर हुई, फ्री इंटर्नशिप, ठीक है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखिए कि जो है ना इस फील्ड के अंदर लोग ये सोचते हैं थ्योरी सब कुछ है, लेकिन ये मेनली जो काम है ना सब प्रैक्टिकल वर्क है। जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं सीखते हो तो आपको इसमें एक्सेल नहीं मिलेगी। सर कितना टाइम लगा आपको अर्निंग स्टार्ट करने में? देखिए, मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है दिसंबर से, ठीक है। मेरा कोर्स एंड हुआ अराउंड सितंबर के एंड में, मतलब हमारा कोर्स एंड पे आया, मैंने इंटर्नशिप अप्लाई करी, काम सीखा। अच्छा, वो जो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जो मैंने फ्री में काम किया, लेकिन वो मेरा एक पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ। जब मैं क्लाइंट से बात करी, क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने कोई काम किया, तो मेरे पास एक MBA मास्टरी लॉन्च का एक्सपीरियंस आ गया। फिर मैंने एक फ्री में मतलब किसी के लिए लॉन्च करी, उसके साथ उसका पार्ट बना, तो मेरे पोर्टफोलियो में 2 लॉन्चेस ऐड हो गई। तो मैंने वो उसका एक बेनिफिट कह लें आप, या उस एक्सपीरियंस को गेन करते हुए मैंने ये बात करी। तो मेरा पहला क्लाइंट उसके बाद डन हुआ, प्राइवेट लेबल का था जो पहला क्लाइंट। फिर प्राइवेट लेबल के हमने लॉन्चेस करी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं होलसेल की तरफ मूव हुआ। सर सबसे मुश्किल काम जब आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस को लॉन्च किया, तो एक तो प्रोडक्ट कैटेगरी मुझे थोड़ा सा बताइएगा वो किस में आप गए, और मुश्किल क्या लगी आपको जब आपने काफ़ी सारी लॉन्चेस किए हैं, तो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बड़ा मुफीद हो जाएगा, बताइए। अच्छा, जो मैंने पेड क्लाइंट के लिए पहली लॉन्च करी,
वो ब्यूटी कैटेगरी के अंदर थी, जो नॉर्मली हर कोई कहता है कि गेटेड है मैं आप, लेकिन ये कि ब्यूटी कैटेगरी में भी कुछ मतलब प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अनगेटेड होती हैं, तो हमने वो करी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टोर उसका चल रहा है। मतलब मैंने उस क्लाइंट की एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी और अभी तक वो क्लाइंट मेरे साथ है, मैं उसकी तीन और लॉन्चेस कर चुका हूँ, मतलब उस स्टोर पर ऑलरेडी चार प्रोडक्ट लाइव हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर आप अच्छी सर्विसेज देते हो तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता है। सर अभी आपकी मंथली एवरेज अर्निंग कितनी है? मेरी मंथली एवरेज अर्निंग जो है $3,000 प्लस है। सर जो लोग आना चाहते हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे, उनके पास स्किल्स कौन से होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्किल्स हैं या 3 स्किल्स हैं वो बताएं। अच्छा देखिए, मेन स्किल जो आपके पास होना चाहिए ना, वो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने बेसिकली सब कुछ आपको आता हो, सही है, लेकिन जब तक आप वो चीज़ को डिलीवर नहीं कर सकते आगे क्लाइंट को, आप बता नहीं सकते कि मैं कितना कैपेबल हूँ, तो वो आप काम करके तो बाद में उसको दिखाएंगे ना, पहले आपको उसको नॉलेज को अपने डिलीवर करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब सेल्समैन स्किल्स आपके जो है ना बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, दूसरा स्किल जो हो सकता है वो ये हो सकता है ऑप्शन आपके पास कि आपकी जो है ना आईटी स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एक्सेल के ऊपर आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप किसी के साथ, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों लेकिन आप काम डिलीवर करने में बहुत अच्छे हो, टीम बना के, बिल्कुल टीम बना के, तो आप इस तरह भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप सही बात में आपको बताऊं तो देखें, इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप टीम में काम करते हो तो आपकी ग्रोथ जो होती है वो आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्काई इज द लिमिट वाला सीन है उसके साथ। सर आपका कोई प्लान है फ्यूचर में प्राइवेट लेबल अपना लॉन्च करने का और अपनी कोई टीम बनाने का, ऐसा कुछ सोचा है आपने? जी बिल्कुल, मतलब मेरा अपना भी प्लान है अब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इतने ज़्यादा हमने लॉन्चेस वगैरह कर ली हैं, तो मेरा अभी इस रिसेंटली मतलब चल रहा है यूके के अंदर, हम लोग कर रहे हैं अभी प्राइवेट लेबल स्टार्ट, अपना प्रोडक्ट वगैरह फाइनल हो गई है, सोर्सिंग स्टेज पे है वो। सर ओवरऑल एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और आपकी सक्सेस स्टोरी में उनका क्या रोल है? तो देखें, ओवरऑल एनेबलर्स का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है। अगर आप मेरी बात करें, मेरे सिनेरियो में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे हर स्टेज पे जो है ना एनेबलर्स की टीम ने साथ दिया, लाइक जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब भी, उसके बाद जब मेरा पहला क्लाइंट फाइनल हुआ तब भी, मतलब मुझे जहाँ भी कोई इशू आया है मुझे एनेबलर्स की टीम ने, उनके SSMs ने हर जगह मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करी है। सर साकिब अज़हर साहब का एक विजन है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, आप उनकी सोच को उनके विजन को कैसे देखते हैं? देखिए अगर आपकी वो बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साकिब अज़हर साहब ने ऑलरेडी बहुत लोगों को एनेबल किया और कंटिन्यूसली उसको एनेबल कर रहे हैं लोगों को। और ये एक ऐसी मतलब जो बहुत सारे लोग जो बिलो एवरेज है, जैसे अच्छी एजुकेशन है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, MBA आजकल के दौर में जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक एवरेज इनकम अराउंड 30,000-40,000 मैक्सिमम 80,000 तक होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो इस फील्ड की तरफ आते हैं, ठीक है, और अपना थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, ठीक है, तो वो मतलब अपनी अर्निंग से डबल ट्रिपल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको फोकस लेना होगा। ठीक है, जिस तरह उन्होंने अब 4 साल में आप MBA करते हैं, ठीक है, और 4 साल आप पेशेंस के साथ चलते हैं, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है अर्निंग की। इसमें यह है कि आप अपने आपको थ्री मंथ्स आप कोर्स करें, उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड रखें अपने आप को, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अर्निंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको अर्निंग होती है। सर टाइम कितना लगता है अर्निंग के फेज़ में जाने में, टाइम कितना लगता है, क्या हम वो 4 साल वाली एक्सपेक्टेशन ही रखें जो डिग्री से रखते हैं या जल्दी भी अर्निंग स्टार्ट? देखें एक्सपेक्टेशन आप ये कि आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि मैंने अभी कोर्स ज्वाइन किया है तो मैं फ़ौरन मतलब ज्वाइन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अर्निंग आपकी एक्सपेक्टेड है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा जितना मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक 70-80,000 वो आप ईजिली अर्न कर सकते हैं। अगर आप 1-2 क्लाइंट से भी जो है आपकी डील हो जाती है तो वो ईजिली आपको $350-$400 पे आउट करता है, तो वो आपकी आप जो है ईजिली आप आइडिया कर लें कि 80,000 एक क्लाइंट से भी अगर आप काम कर रहे हैं तो 80,000 रुपीज़ आप मंथली कमा सकते हैं ईजिली। थैंक यू सो मच मसरूर अली साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की कि अगर आपको डिलीवर करना या बात करना और क्लाइंट को कन्विंस करना नहीं आता तो आप कभी भी ई कॉमर्स में कामयाब नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपको बोलना आना चाहिए, आपके पास वो स्किल होने चाहिए जिससे आप लोगों को कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।